इस वर्ष हमारे राजस्थान में बिन मौसम बारिश होने के कारण खेती करने वाले लोगों की फसल एक तरह से पूरी बर्बाद हो गई। जो लोग खेती करके अपनी परिवार चला सकते थे, उन लोगों के गेहूं की फसल खराब होने के कारण उन लोगों को काफी दिक्कत और मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। और बारिश के समय में मेरे बरसात होने से गेहूं की फसल सब खराब हो गई और बहुत सारे नुकसान हुआ, काफी उनके भी हुआ और हमारे भी हुआ। और बर्फ के कोरे गिरने से मतलब हर चीज से हमारे कम खूब सारा नुकसान हो गया और हमारी फसल भी बल्कि नष्ट हो गई थी। अभी गेहूं जो बोए, अभी मक्की जो बोई, उसमें भी हमारे बारिश ना आने की वजह से वो नुकसान हो गया। हर चीज़ से हम बहुत परेशान हैं और नुकसान हो। बेटा हमारे को फसल कम होने से हमारे को नुकसान होगा और जो आम लोग हैं उनको गेहूं महंगे मिलेंगे, अच्छे गेहूं नहीं मिलेंगे, जिससे उनको भी नुकसान होगा। किसान लोग हमारे को कोई थोड़ी सरकार मदद करे तो अच्छी बात है, हमारे को थोड़ा हो जाए फायदा। खेती करके बड़ी मेहनत से लोग गेहूँ और मक्का जैसी फसल उगाते हैं, लेकिन बिन मौसम बारिश होने के कारण सबसे भारी नुकसान खेती करने वाले लोगों पर होता है, क्योंकि खेती से उनके आजीविका पर एक तरह से असर होता है। मैं पंचायत समिति खमनौर के अधिकारी से निवेदन करता हूँ, जिनके नंबर है 02952-2851-22, जिन लोगों की गेहूं की फसल बर्फ की बारिश होने के कारण खराब हुई थी, उन लोगों के लिए सरकार की तरफ से उचित मुआवजा दिलाया जाए ताकि उन लोगों के आजीविका पर कोई असर ना पड़े। शंभुराज तंवर, देलोड़ा से, इंडिया हट के लिए।